बहुत सारे एस्पिरेंट का ये हमेशा डाउट रहता है, और आप अगर एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना तो हमेशा ये मन में डाउट रहेगा कि हमें जो है अपना यूपीएससी का नोट्स कैसे बनाना चाहिए। देखिए नोट्स की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम नोट्स भी बना रहे हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि किस किस टॉपिक पे नोट्स बनाएंगे, तो वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू प्री अकॉर्डिंग टू मेंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाने का भी तरीका होना चाहिए हमारा पूरा व्हाइट होना चाहिए। और जितना देखिए, जैसे कि मान के चलो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मैंने नोट्स बनाया, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि इसको देखो, सबसे पहला बात है कि इसको अगर मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, तो उसको देखिए मैपिंग या डायग्राम थ्रू बताया। इससे क्या होगा ना कि एक अगर मान के चलो ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिख देते तो वो हो सके कभी भी पेज खोलते तो दिमाग में नहीं आता, और ऐसे लाइनिंग लाइनिंग लिखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉपी खोलेंगे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनवाली, है ना, धोलावीरा, रंगपुर, ये सब देखने को मिलेगा, और यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट स्थल है उसके बारे में जानकारी। और साथ ही कभी भी नोट्स बनाओ तो कलरफुल थोड़ा बनाओ, जिससे दिखने में एक रहे ना कि हाँ भाई चलो नोट्स खोल के देखा, जैसे ये सिंधु घाटी की सभ्यता रेड है तो पता चलेगा नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ स्टार्ट है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा गैप गैप देके लिए। हमेशा नोट्स बनाओ ना तो पेज से कभी भी कंजूसी मत करो, ठीक है, पेज का भरपूर यूज करो, चाहे वो जितना पेज लगे, कम में भी लगे, ज्यादा में भी लगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो है मैपिंग के लिए जैसे कि मैंने छोड़ा हुआ है, और देखो यहाँ पर जो है नोट्स बनाया है, तो देखो जैसे कि मान के लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, तो उसका देखो प्रमुख जो है नदी का नाम लिखा, उसके बारे में जो बसे शहर उसका नाम लिखा है, यहाँ पर रेड बिंदु दे करके कुछ लिखा है, तो ये सब बेसिकली कैसे नोट्स बनाया, ये सब ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी ऑटोमेटिक अपने से बना दिया, नहीं, इसके लिए क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो जैसे कि रामशरण शर्मा की किताब हो गई, और भी जैसे कि इसके लिए तो इसका यूज क्या है, बाकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं इग्नू का बुक्स का, क्योंकि देखो के जो बुक्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीपली दिए जाते हैं, ठीक है, इससे जो है मेंस के लिए एक अच्छा जो है ये बनता है, मतलब कि एक टॉपिक हमारे माइंड में आता है और लिखा हुआ रहता है, जिससे कि क्या होता है ना कि हमारा एक ज्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है इससे, ठीक है। तो इसका बेसिकली हम नोट्स बनाने में यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 11th 12th एनसीईआरटी भी यूज करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, एनसीईआरटी का भी देखो एडवांस बुक का यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कुछ हमको इंपॉर्टेंट भी मिल जाता है, सिलेबस के अनुसार भी जो है दिया रहता है इसमें, ठीक है। और देखो, और बेसिकली सब लोग कमेंट में बोल भी रहे थे कि हमको ये नोट्स चाहिए या नोट्स चाहिए, तो अगर ये आपको नोट्स चाहिए, मतलब चाहिए का मतलब क्या है कि अगर ये नोट्स आपको मिल जाते हैं तो एक बेसिकली आइडिया पता चलेगा ना कि हाँ हम कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे हमें डायग्राम का यूज करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था तो वहां से इसको बॉक्स करके लिख दिया है ना, यहां देखो बनाया, तो अगर कोशिश करेंगे ये, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है, एक हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ग्रुप का प्राइस ओनली 100 है, उसमें आपको बस 100 लगेगा, उसके बाद आपको और एक रुपया नहीं देना, ठीक है, उसके माध्यम से सीरियस एस्पिरेंट को जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि सबको एक पता चल सके कि नोट्स कैसे बनाना है और कैसे हमें, देखिए जैसे यहां देखो यहां यहां खाली क्यों छोड़ा, तो यहां खाली छोड़ा है मैपिंग के लिए कि मैपिंग थ्रू यहां चिपकाएंगे, सिंधु घाटी का तो ज्यादा याद होगा, है ना। अब देखो यहां पर जैसे कालीबंगन, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखा कि प्रीवियस ईयर भाई क्वेश्चन में ये सब पूछा गया है, तो इस बार भी पूछ सकता है, यहां पर बनाया है। और ये जो है देखो, हम कभी भी ये कोशिश करते हैं कि देखो हमेशा खाली खाली छोड़ते हैं, ठीक है, हमेशा खाली छोड़ते हैं, और पता चलता है इससे कि हाँ हमको जो है वो आसानी से दिख, जैसे कार्बन C14 का प्रयोग किया है, जैसे 4000 से 5000 की वस्तु का इसे पता लगाया जाता है, और भी देखो नोट्स बना ही रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, है ना, ग्रुप का नंबर जो है मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है ना, और अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो बढ़िया है, 100 फी है, उसके बाद आपको नहीं लगे, वो ग्रुप में एडिंग होने का फी है, ठीक है, तो आप जुड़िए, साथ ही साथ हमारे नोट्स पाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, साथ ही और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स दिया जाएगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गाइडेंस, हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा कि बिना यूपीएससी में हम बेस्ट गाइडेंस से हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं गाइडेंस रहेगा तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं देखो, अब देखो सबका कमेंट तो एक बार में हम नहीं पढ़ सकते ना, एक दिन में इतना आता, ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हमारा गाइडेंस भी मिलेगा और एक साथ तैयारी भी होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो।